बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माई चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने स्टार्ट किया हुआ है असेंबली लैंग्वेज लेक्चर्स की एक प्लेलिस्ट, और आज हमारा है लेक्चर नंबर 11। होप सो आपने प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे, और इससे प्रीवियस लेक्चर नंबर 10 में मैंने आपको प्रोग्रामिंग के लिए सॉफ्टवेयर करना बताया, तो आप उन लेक्चर्स को देख लें। और आज हम लेक्चर के फंडामेंटल्स बेसिक करने के बाद हम प्रोग्रामिंग की तरफ मूव कर जाएंगे, ठीक है। इसलिए मैंने पहले वीडियो बनाया ताकि आप आराम से वीडियो अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें और आप मेरे साथ कंटिन्यू कर सकें प्रोग्रामिंग को, ओके। अब हम जो टॉपिक पे मूव करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इफ़ यू आर विजिटिंग माई चैनल फर्स्ट टाइम, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, ओके जी। लेट्स मूव टू आवर टॉपिक। ओके जी, अब अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 3, आज हमने स्टार्ट करना है, और उसमें हम पढ़ेंगे असेंबली लैंग्वेज फंडामेंटल्स। और सबसे पहले हम बात करेंगे इंटीजर कॉन्स्टेंट्स की। इंटीजर कॉन्स्टेंट्स का हमारे पास सिंटैक्स क्या होता है? ये हमारे पास इंटीजर कॉन्स्टेंट का सिंटैक्स है, इसमें प्लस माइनस डिजिट और रेडिक्स। सबसे पहले बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल एंड ऑक्टल डिजिट्स, ये हमारे पास फोर टाइप्स के डिजिट्स होते हैं। इसकी जगह कौन कौन से? बाइनरी हो सकते हैं, डेसिमल हो सकते हैं, हेक्साडेसिमल हो सकता है, और ऑक्टल डिजिट्स हो सकते हैं। उसके बाद कॉमन रेडिक्स करेक्टर्स हमारे पास कौन से हैं? हेक्साडेसिमल एच, डी होगा डेसिमल के लिए, और बाइनरी होगा, बी होगा बाइनरी के लिए। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। 6, 6D, ये देखें जी, ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इसमें ये जो 6 और 0 है, ये हमारे पास डिजिट्स हैं, और रेडिक्स हमने पढ़ा है कि एच हो सकता है, बी हो सकता है, और डेसिमल के लिए डी हो सकता है। ये तो हो गया हमारे पास रेडिक्स और डिजिट्स। ये जो प्लस और माइनस है ना, ये हमारे पास क्या होते हैं? ऑप्शनल। इसे हम लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, ये हमारे पास ऑप्शनल है, ओके। और ये देखें, ये नेक्स्ट एग्जांपल देखें, 10111। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये बाइनरी नंबर है, डेसिमल नंबर है? ऑन द बेसिस ऑफ दिस, रेडिक्स की वजह से। रेडिक्स हमें क्या बता रहा है कि बी बाइनरी। और फिर बात करें 36, अरे देखिए 36 के पास हमारे पास कोई भी रेडिक्स नहीं लगा, कुछ भी नहीं बताया, ये डी है, एच है या बी है। और अगर ऐसा कुछ भी ना बताया हो तो हमारे पास डेसिमल होता है। डेसिमल हमारे पास क्या होता है? बाय डिफॉल्ट, ये हमारे पास बाय डिफॉल्ट सेट होता है कि अगर कोई भी रेडिक्स यूज नहीं हुआ तो फिर इसका मतलब ये 36 हमारे पास क्या है? डेसिमल। ये 5AH, ये AH हमें क्या बता रहा है कि हमारे पास डेसिमल नंबर है। अब प्लस 30 देखें, ये प्लस, तो प्लस यूज हुआ इसमें से, प्लस माइनस में से प्लस भी यूज हो सकता है और माइनस भी यूज हो सकता है, तो प्लस हो गया। और 30 की जगह हमारे पास क्या आ गया है? डिजिट्स। और रेडिक्स में हमें कुछ भी नहीं बताया, इसका मतलब ये सिंटैक्स में से हमारे पास दो चीज़ें ऑप्शनल हैं, और दो चीज़ें हमारे पास, एक चीज़ हमारे पास क्या है? नेसेसरी, ये हमारे पास ऑप्शनल है, प्लस माइनस, और ये हमारे पास ऑप्शनल है, ये होना नेसेसरी है, ये नेसेसरी हो जाएगा, इसके बगैर काम नहीं चल सकता, और इसके बगैर भी, रेडिक्स के बगैर भी काम चल सकता है, तो ये भी हमारे पास ऑप्शनल है। इसी तरह हमारे पास -43 है, तो इसमें माइनस यूज हुआ है, और 43, ये -43 हमारे पास क्या है? डेसिमल। होप सो आपको समझ आ गई होगी, ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट, हेक्साडेसिमल बिगनिंग विद द लेटर। अब ये कह रहे हैं कि जो हेक्साडेसिमल है ना, वो हमेशा लेटर से शुरू करेंगे। हमारे पास एक लफ्ज, ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है A7H। अब ये देखें, ये जितना भी नंबर है ना, ये हमें आइडेंटिफायर शो करवा रहा है कि ये देखें, ये हमेशा जो हमारे पास आइडेंटिफायर की कंडीशंस होती है ना, कि कैपिटल से स्टार्ट, लेटर से स्टार्ट होना चाहिए,
जितने भी हमारे पास आइडेंटिफायर जब हम रखते हैं, जो कंडीशन हमारे पास रूल्स होते हैं, तमाम उसे सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब हम इसे नंबर शो करवाने के लिए ना, हम इसे क्या करेंगे, शुरू में इसको जीरो लगा देंगे, इसकी एम एस बी से पहले जीरो लगा देंगे, जीरो को एम एस बी बना देंगे। इस तरह इससे क्या होगा कि हमारे पास इसकी नेचर चेंज कर देगा, और नेचर चेंज करके हमारे पास क्या बन जाएगा, न्यूमेरिक। आपने सिंपल ये याद रखना है, जब भी आपके पास कोई हेक्साडेसिमल नंबर आए और वो लेटर से स्टार्ट हो रहा हो, तो आपने उससे पहले क्या करना है, जीरो लगा देना, ताकि आप उसकी नेचर को चेंज कर सकें। ओके, नेक्स्ट, करेक्टर एंड स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट इनक्लोज करेक्टर इन अ सिंगल और अ डबल कोट्स। एग्जाम्पल देखें कि हमारे पास एक करेक्टर है, उसे हम सिंगल कोट में भी कर सकते हैं और डबल कोट में भी कर सकते हैं। अगर कोई लेटर हमारे पास, पहले हमने सेम ही किया था, हम उसे सिंगल कोट में करते थे, लेकिन अगर हम असेंबली में सिंगल कोट से करें चाहे डबल कोट से करें, दोनों हमारे पास क्या होगा, करेक्टर कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट, हमने पहले बात कर ली या प्रीवियस लेक्चर में कि ASCII हमारे पास क्या होता है, हर लेटर की हमारे पास ASCII होती है, और हर ASCII करेक्टर हमारे पास क्या लेता है, वन बाइट। ये अब आपने प्रीवियस लेक्चर से जाके देखना है कि ASCII क्या मैंने बताया था। तो इनक्लोज स्ट्रिंग इन अ सिंगल और अ डबल कोट्स, अगर हम स्ट्रिंग को इनक्लोज करें सिंगल और अ डबल कोट में, देखें मिसाल के तौर पर कि हमारे पास फ्रेंडशिप है, ये सिंगल कोट में हो चाहे हम डबल कोट में करें, दोनों हमें क्या डिफाइन कर रहे हैं, स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट। और राइट, नेक्स्ट हमारे पास है रिजर्व्ड वर्ड्स। क्या है रिजर्व्ड वर्ड्स, आर अ प्री डिफाइंड वर्ड्स विच हैव सम स्पेशल मीनिंग, जो पहले से ही कोई स्पेशल मीनिंग रखता है। हमने ये C++ में टॉपिक पढ़ा है कीवर्ड्स के नाम से, उसमें हमने पढ़ा था कि जब हमने आइडेंटिफायर को चूज करना है ना, तो वो कोई ऐसा लफ्ज ना हो जो हम पहले से ही यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हम यूज करते हैं इफ, एल्स इफ यूज कर लेते हैं, और हम लूप यूज करते हैं, फॉर, व्हाइल, ये सब जो है ना पहले से ही मीनिंग रखते हैं प्रोग्रामिंग में। तो इस वजह से हम इनके नेम की बेस पे कोई भी आइडेंटिफायर चूज नहीं कर सकते। रिजर्व्ड वर्ड्स के नॉट बी यूज्ड एज एन आइडेंटिफायर, ठीक है, आइडेंटिफायर ये हम आगे जाके पढ़ते हैं। अब इसकी एग्जांपल देखें, निमोनिक्स, ये निमोनिक्स हमारे पास है, ये भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। निमोनिक्स क्या होता है, जो हम असेंबली लैंग्वेज से काम करवाना चाहते हैं, जैसे हम ऐड करवाना चाहते हैं, मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं, या सब्ट्रैक्ट करवाना चाहते हैं, ये हमारे पास निमोनिक्स होते हैं असेंबली लैंग्वेज में। और डायरेक्टिव्स हमारे पास क्या होते हैं, जो हमें असेंबली लैंग्वेज में मेमोरी एलोकेट करते हैं, डेटा साइज एलोकेट करते हैं, जैसे वर्ड हो गया, बाइट हो गया, डबल वर्ड हो गया, ये हम आगे जाके पढ़ते हैं। ओके, आगे आइडेंटिफायर्स क्या हैं, आइडेंटिफायर्स आर द नेम्स फॉर अ वेरिएबल, प्रोसीजर और लेबल। यहाँ प्रोसीजर और लेबल आगे जाके पढ़ेंगे। ये वेरिएबल तो आपने पढ़ा होगा ना उसमें प्लस प्लस में, तो ये हमें पता है कि आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, जो हम वेरिएबल का नेम हो, किसी प्रोसीजर का नेम रख लें, या फिर किसी लेबल का नाम रख लें, वो हमारे पास क्या हो जाता है, आइडेंटिफायर। और इसमें आइडेंटिफायर की मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है, 1 से 247 करेक्टर्स। और आइडेंटिफायर्स में स्पेस आर नॉट अलाउड इन एन आइडेंटिफायर। नॉट केस सेंसिटिव, नॉट केस सेंसिटिव का मतलब कि अगर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है, मिसाल के तौर पे कि आपने कोई लफ्ज कोई भी कर लें, कि आपने मैंगो किया है, या फिर मैंगो ये है, आपने इस तरह से डिक्लेयर किया, लेकिन जब आप उसे आगे जाके प्रोग्रामिंग में यूज़ कर रहे हैं, तो आप प्रोग्रामिंग में क्या कर रहे हैं, स्मॉल m a n ये यूज़ कर रहे हैं। डिक्लेयर आपने कैपिटल किया, लेकिन आप उसे यूज़ कॉल कैसे कर रहे हैं, छोटे में n के साथ। तो इसका क्या मतलब है कि आपको एरर नहीं देगा, जबकि हम प्रोग्रामिंग C++ में क्या करते थे, अगर हमने कैपिटल कोई लफ्ज डिक्लेयर किया है, तो हम उसे प्रोग्रामिंग में भी कैपिटल यूज़ करते थे। लेकिन ये इसका मतलब है कि C++ हमारे पास केस सेंसिटिव है, लेकिन इसमें जो असेंबली है वो हमारे पास केस सेंसिटिव नहीं है। अगर हमने कैपिटल में किया है, तो हम उसे स्मॉल में भी यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, और फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अ लेटर, और आइडेंटिफायर का जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो लेटर होना चाहिए, और ये लेटर्स कुछ बताए हुए हैं, अंडरस्कोर, एट द रेट, क्वेश्चन मार्क, डॉलर साइन। ओके, अब यहाँ पे क्या करें आप,
कुछ आइडेंटिफायर्स बना के आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ आई है या कि नहीं। ऑलराइट, अगर डायरेक्टिव्स क्या होते हैं? कमांड्स दैट आर एग्जीक्यूट्स बाय द असेंबलर ड्यूरिंग कंपाइल टाइम। ये ऐसी कमांड्स होती हैं जो कि एग्जीक्यूट की जाती हैं असेंबलर की तरफ से कंपाइल टाइम पे, नॉट पार्ट इफ द इंटर इंस्ट्रक्शन सेट। ओके, यूज्ड टू डिक्लेयर कोड, डेटा सेक्शन, सेलेक्ट मेमोरी मॉडल एंड डिक्लेयर प्रोसीजर्स। ये सारी मेरे पास प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज है, ये हम जाके प्रोग्रामिंग करेंगे, फिर आपको ये सब क्लियर हो जाएगा। अभी बस आप सुने, और ये भी जो डायरेक्टिव्स हैं ये भी हमारे पास केस सेंसिटिव नहीं है। ओके, इसके एग्जांपल देखें, ये हमारे पास कोई प्रोग्रामिंग असेंबली प्रोग्रामिंग के कुछ कह लें कि इंस्ट्रक्शंस हैं, इसको हम आज इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट कर लेंगे। आप बस इन दो से तो आप फैमिलियर नहीं होंगे, लेकिन इन दो से आपको पता होगा। लेकिन ये हमारे पास बाइट कब एग्जीक्यूट होती है? कंपाइल टाइम पे। कंपाइल टाइम पता चलता है कि हमने कोई वेरिएबल है, प्रोसीजर है, जिसके साथ भी हमने बाइट लगाया उसको हमने कितनी मेमोरी देनी है, और वर्ड को भी, मतलब ये हमें कंपाइल टाइम पे बताता है। ठीक है, होप सो आपको समझ आ गई होगी। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स एंड यू कैन आल्सो डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।